जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पुलवामा हमले की पूरी कहानी समझेंगे, कैसे इस हमले की योजना बनाई गई थी और कैसे इसे अंजाम दिया गया था। तो अंत तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में कई हैरान कर देने वाली बातें पता चलेंगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार यह मामला आजकल सुर्खियों में क्यों है। तो हुआ यह है कि NIA ने 18 महीने की जाँच पड़ताल के बाद पुलवामा मामले में कोर्ट में 5000 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में NIA ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर और 17 अन्य लोगों को पाकिस्तान के इशारे पे भारत के पुलवामा में फिदायीन हमला करने का दोषी ठहराया है। इन 19 आतंकियों में 12 कश्मीरी हैं और 7 पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। इससे आपको एक बात ये भी समझ में आई होगी कि किसी भी देश में किसी की ज़मीन पे आतंकी हमला करने के लिए वहाँ पे लोकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस हमले में साफ साफ दिख रहा है। इनमें से 7 को भारतीय सेना आज की तारीख में ढेर कर चुकी है, 7 को हिरासत में लिया हुआ है और 5 अन्य आतंकी अभी भी फरार हैं। जो फरार नहीं है, एक्चुअल में ये पाकिस्तान में है। इस हमले का मुख्य आरोपी है आतंकी मोहम्मद उमर फारूक। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे क्योंकि ये इस हमले का मास्टरमाइंड है। ये पाकिस्तानी आतंकी है, आप इसका ID कार्ड देख सकते हैं। ये आतंकी इब्राहिम अतहर का बेटा है। इब्राहिम अतहर वही आतंकी है जो उन 5 आतंकियों में शामिल था जिन्होंने 1999 में इंडियन एयरलाइन के IC-814 विमान को हाईजैक कर मौलाना मसूद अजहर, ओमार शेख और मुश्ताक अहमद को भारत की कैद से छुड़ा लिया था। आपको ओमार शेख के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओमार शेख के ऊपर भारत में एक मूवी बनी थी जिसका नाम है ओमारता, जिसमें राजकुमार राव ने काम किया हुआ है। ये ओमार शेख आतंकी मसूद अजहर का भतीजा भी है। उमर फारूक को पिछले साल भारत की सेना ने मार्च में ही एक एनकाउंटर में मार गिराया था। आपको जान के हैरानी होगी कि इन आतंकियों में एक महिला आतंकी भी है, इसका नाम इंसा जान है। ये 23 साल की है, इसने आतंकियों को पनाह दिया था। इसने इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी थी। तो इस हमले की पूरी कहानी शुरू होती है 2016 में, जब आतंकी उमर फारूक पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता है। वहाँ ये तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के कैंपों में विस्फोटक बनाने और उसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग लेता है। इसके बाद ये अप्रैल 2018 में जम्मू के सांबा सेक्टर से भारत में घुसपैठ कर जाता है। पुलवामा जाकर ये वहाँ जैश ए मोहम्मद का कमांडर बन जाता है और वहीं ये अपने 3 पाकिस्तानी साथियों कामरान, इस्माइल, यासिर और 2 कश्मीरी सामिर डार और आदिल डार के साथ मिलकर पुलवामा हमले की पूरी योजना बनाता है। आतंकी दिसंबर 2018 से ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। इसका काम आतंकी सकीर बासीर मोगरे को दिया गया था क्योंकि सकीर बसीर मोगरे का जम्मू श्रीनगर हाईवे पे लेथपुरा ब्रिज के पास एक फर्नीचर की दुकान थी। वहाँ से ये आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय की मूवमेंट्स और उनकी डिप्लॉयमेंट्स की रेकी करता था। ID बनाने के लिए RDX पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा करके 4 महीना तक लाया गया। इन RDX को अमावस्या की रात को लाया जाता था जब काफ़ी अंधेरा होता है। RDX बॉर्डर के इस पार लाने में पाकिस्तानी सेना ने भी जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की काफ़ी मदद की थी और हमेशा करती है। RDX के अलावा जेलेटिन स्टिक्स, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम पाउडर भी इकट्ठा किया गया। हैरानी करने वाली बात यह है कि एल्युमिनियम पाउडर को ई कॉमर्स जायंट अमेजन से ऑनलाइन ख़रीदा गया था। इन सभी मटेरियल्स को इकट्ठा करके 160 किलो और 40 किलो के 2 विस्फोटक बनाए गए। जनवरी 2019 में सज्जाद अहमद भट्ट ने मारुति इको गाड़ी खरीदी और इसी गाड़ी को बाद में मॉडिफाई करके इन दोनों कंटेनर्स को इसमें फिट किया गया और इसे ID की शक्ल दी गई। पूरी तैयारी करने के बाद 6 फरवरी को हमले की तारीख के लिए चुना गया।
लेकिन उसी बीच कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई और यह हमला टल गया। बाद में हाईवे खुलने के बाद जब मूवमेंट फिर से शुरू हुई तो 14 फरवरी 2019 को आदिल अहमद डार ने 200 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय से टक्कर मार दी। विस्फोटक इतना ज़्यादा था कि हमला इतना ज़ोरदार हुआ कि सीआरपीएफ की पूरी बस जल के राख हो गई और इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। हमले के तुरंत बाद जैस ने आदिल अहमद डार का एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज़ किया। इस वीडियो में आदिल अहमद डार भारत और भारत की सरकार को गालियां देता है और बदले की बात करता है। बाद में इस वीडियो को भारतीय एजेंसियों ने सभी प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। ये आदिल अहमद डार की फ़ोटो है, ये उसी वीडियो से ली गई है। आदिल अहमद डार पुलवामा का ही रहने वाला था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैस ने इस हमले के साथ साथ एक और बड़ा हमला प्लान किया था, पर इस हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने जैसे मोहम्मद से बदला लेने की ठाना और 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसकर बालाकोट में जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क युद्ध के कगार पे आ गए। दोनों ही मुल्कों में फाइटर प्लेन्स की एक छोटी सी डॉग फाइट भी हुई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने की वजह से पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद के सारे ऑपरेशंस रोक दिए दुनिया को दिखाने के लिए, और FATF की ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए पाकिस्तान ने जैस की लीडरशिप को कस्टडी में ले लिया। एक्चुअली ये कस्टडी में लेते नहीं हैं, बस दिखाने के लिए इन आतंकियों को थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड कर देते हैं। आप सबको पता है कि जैसे मोहम्मद कितना ख़तरनाक संगठन है। अगर मुझे लगेगा तो जैसे मोहम्मद पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल को देखते हैं तो जितने भी आतंकी हमले हुए हैं या जो मेजर आतंकी हमले हुए हैं वो जैसे मोहम्मद ने ही अंजाम दिए हैं। 2008 के मुंबई हमले के बाद से 10 सालों में चाहे वो पुलवामा हो, वो पठानकोट एयरबेस पे हमला हो या वो उरी कैंप पे हमला हो, ये सारे हमले जैस के आतंकियों ने दिए हैं। इस समय जैस ही भारत के लिए खतरा बना हुआ है। बाकी सारे आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है, पर जैस के पास अभी भी काफ़ी काडर मौजूद है। जैस के पास काफ़ी सपोर्ट भी है पाकिस्तान आर्मी से और ISI से। जैस के आतंकी काफ़ी ट्रेंड भी होते हैं। तो ये थे इस पूरे वीडियो की कहानी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्या इसमें आपकी थोड़ी सी आपको कुछ जानकारी मिली हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।